फिर चिल्ड्रेन, मैं दुलाचंद दास स्वागत करता हूँ आप सभी का। बच्चों देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे ये मोर है और मोर आप लोगों को पता होगा कि बहुत ही सुंदर पक्षी होता है, इसीलिए ये हमारे देश का राष्ट्र पक्षी भी है। तो ये कहानी कुछ मोर और जंगल के जानवरों के साथ दिया हुआ है। आइए हम लोग इस कहानी को पढ़ के देखते हैं क्या दिया हुआ है इसमें। ये है चैप्टर 15, ये क्लास 3 का इंग्लिश बुक है। चैप्टर का नाम है द प्राउड पीकॉक, इसका मतलब है घमंडी मोर, मतलब मोर को घमंड हो जाता है अपनी सुंदरता पे, शायद इसी से संबंधित कुछ ये कहानी दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको पढ़ के देखते हैं। द पीकॉक वाज वंस वेल नोन फॉर हिज लवली वॉइस एंड ब्यूटीफुल फीदर्स। मोर को उसके प्यारी सी आवाज और उसकी सुंदर पंखों के लिए बेहतर रूप से जाना जाता है। एवरी डे द पीकॉक वुड डांस एंड स्प्रेड हिज ब्यूटीफुल फीदर्स टू शो ऑफ टू ऑल द एनिमल्स इन हिज जंगल। हर दिन मोर जो है डांस करता था और अपनी सुंदर पंखों को फैलाता था, सभी जानवरों को दिखाता था जो जंगल में रहते थे। When he did that, all the animals were pleased with him. जब मोर ऐसा करता था, सबको नाच दिखाता था, तो सभी जानवर देखकर बहुत ही खुश होते थे उससे। और आगे क्या है? Soon the peacock become very proud of himself. और जल्द ही पीकॉक को, मोर को अपने ऊपर घमंड हो गया। He would not talk to any other animals. और वह क्या करने लगा, घमंड होने के कारण वह किसी भी जानवर से बात नहीं करने लगा या फिर बहुत कम बात करने लगा। द एनिमल्स डिड नॉट लाइक इट। जानवरों को ये चीज़ जो है, ये व्यवहार मोर का अच्छा नहीं लगा। दे वर एंग्री विथ हिम। और वे सभी मोर से गुस्सा हो गए। द नेक्स्ट टाइम द पीकॉक डांस्ड एंड स्प्रेड इट्स फीदर्स। और अगली बार जब मोर डांस कर रहा था और अपने पंखों को फैलाया, ऑल द एनिमल्स रन अवे। और सभी जानवर वहाँ से भाग गए, किसी ने भी उनको नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग द पीकॉक शाउटेड कॉलिंग द एनिमल्स। और दिन भर मोर सभी जानवरों को बुलाने के लिए चिल्लाता रहा, चिल्ला चिल्ला कर बुला रहा था वो। कम बैक, वापस आ जाओ, इस तरह से सभी को मोर बुला रहा था। बट द एनिमल्स डिड नॉट कम बैक, लेकिन कोई भी जानवर वापस नहीं आया। सुन ही कूड नॉट साउट एनी मोर। और चिल्लाते चिल्लाते जब वह थक गया तो फिर वह चिल्लाना बंद कर दिया। हिज वॉइस बिकेम हार्स। और उसका आवाज़ जो है कर्कश हो गया, वह बोलने में उसको तकलीफ होने लगी। अब आगे देखते हैं। द पीकॉक वाज सैड। और इस प्रकार से मोर दुखी हो गया। ही डिड नॉट डांस एनी मोर। फिर वह डांस नहीं करने लगा। नॉर कूड ही साउट। और वह चिल्लाने भी नहीं लगा, जो वो जो प्यारी सी आवाज़ वो निकालता था वो भी आवाज़ नहीं निकालने लगा। ही हैड लॉस्ट हिज लवली वॉइस। और वह अपनी आवाज़ को खो देता है, उस तरह से वो जो आवाज़ कर रहा था अब आवाज़ वो नहीं कर पा रहा था। मैनी डेज पास्ड बाय। कई दिन बीत गए। एन एलिफेंट सो द सैड पीकॉक अंडर ए ट्री। एक हाथी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे वो मोर बैठा हुआ है। द एलिफेंट स्माइल टू हिमसेल्फ। और एलिफेंट अपने आप में मुस्कुराया, इसलिए यह सोचकर मुस्कुराया कि इसका घमंड अब खत्म हो चुका है। ही टोल्ड ऑल द एनिमल्स इन द जंगल दैट द पीकॉक वॉज सैड। और हाथी ने सभी जंगल के जानवरों को बतलाया कि मोर उदास था। दे ऑल फेल्ट सोरो एंड केम टू सी द पीकॉक। सभी जानवर दुखी हो गए और मोर से मिलने के लिए आ गए। यहाँ पे देख रहे हैं, सभी जानवर मोर से मिलने के लिए आए हुए हैं। द पीकॉक वॉज हैप्पी अगैन। और जब सभी जानवर पीकॉक से मिलने के लिए आते हैं तो मोर फिर से खुश हो जाता है। बट ही कुड नॉट गेट हिज लवली वॉइस अगेन। लेकिन वो प्यारी सी आवाज़ जो वो करता था वो अब वो कर नहीं पा रहा था, हमेशा के लिए वह लॉस्ट हो गया था। इट वॉज लॉस्ट फॉर एवर। वो जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो गया था। तो यह चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो जाता है। और यहाँ पे इस चैप्टर का कुछ वर्ड दिया हुआ है, न्यू वर्ड्स, जिसको पढ़कर आप लोग याद कर लेंगे। और आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। ये है इस चैप्टर का क्वेश्चंस। हालांकि यह चैप्टर छोटा है लेकिन फिर भी यहाँ पे कई क्वेश्चन दिए हुए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 में ये एक स्टोरी दिया हुआ है, उसी स्टोरी को शॉर्ट में दिया हुआ है। और यहाँ पे ये सब वर्ड्स चुनकर भरना है, कहाँ पे ये सूटेबल होगा उस तरह से इसको भरना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में 6 ऐसे वर्ड लिखना है जिसमें ई ए और आई सी ई ये लेटर आते हों। जैसे कि यहाँ पे ई ए से दिया हुआ है, ईगल दिया हुआ है, फेदर दिया हुआ है, आई से वॉइस दिया हुआ है, पुलिस दिया हुआ है।
इस तरह से छः वर्ड लिखने हैं, मतलब इसको छोड़ के लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पे चूज द राइट आंसर, यहाँ पे इन तीनों में से ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें से एक होगा, इसको चुन लेना है। और क्वेश्चन नंबर फाइव में यहाँ पे बर्ड्स का नेम दिया हुआ है, कई सारे बर्ड्स का नेम दिया हुआ है और इसको याद करने के लिए कहा गया है, और ये बर्ड का पिक्चर भी दिया हुआ है। तो ये मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के दिखाता हूँ। ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट वाज द पीकॉक वंस वेल नोन फॉर? द पीकॉक वाज वंस वेल नोन फॉर हिज लवली वॉइस एंड ब्यूटीफुल फेदर्स। व्हाट डिड द पीकॉक डू एवरी डे? एवरी डे द पीकॉक वुड डांस एंड स्प्रेड हिज ब्यूटीफुल फेदर्स टू शो ऑफ टू ऑल द एनिमल्स इन हिज जंगल। व्हाई वेयर ऑल द एनिमल्स इन द जंगल एंग्री विद द पीकॉक? The peacock became very proud of himself. He would not talk to any other animals, so they were angry with the peacock. What did the peacock do when the angry animals ran away? When the angry animals ran away all day long, the peacock shouted, calling them to come back. Who saw the sad peacock? An elephant saw the sad peacock under a tree. Did the peacock get back his lovely voice again? No, he was lost his lovely voice forever. Question number 2 में complete the composition on the peacock. तो peacock की एक छोटी सी कहानी दिया हुआ है और वहाँ पे बीच बीच में वो ब्लैंक है, खाली जगह है, और बॉक्स में कुछ वर्ड दिया हुआ है, उसी को चुन के भरना है। तो इसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दे दिया गया है, आप इसको देखकर वहाँ भर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 में 6 वर्ड लिखने के लिए कहा गया है, जिसमें ई ए साउंड हो और आई सी ई साउंड हो। तो इस साउंड के 6 वर्ड यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसको देखकर आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में राइट आंसर को चूज करने के लिए कहा गया है और इसका भी डायरेक्ट आंसर दिया गया है, आप यहां से उसको बना सकते हैं। और यहां पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिल रहा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए हमारे वीडियो को। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।